एक गांव में बनवारी और राधा नाम के गरीब दंपति रहते थे। उनके पास एक शायली नाम की गाय थी। उनकी थोड़ी खेती बाड़ी थी, जिसमें अन्न उपजा कर और गाय का दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर रहे थे। अचानक एक दिन उनकी प्यारी गाय शायली को गला घोट की भयानक बीमारी हो गई और वो नीचे गिर पड़ी और फिर उठ न सकी। दोनों प्राणी अपनी प्यारी गाय की मौत पर खूब रोए। पास में खड़ी शायली की बछड़ी नंदिनी चुपचाप खड़ी थी। वो तो अपनी माँ की मौत से बेखबर थी, लेकिन कुछ देर के बाद भूख ने उसे विचलित कर दिया। राधा ने सूखा चारा डाल दिया और भूख से बेहाल नंदिनी उसे खाने लगी। हमारी प्यारी शायली चली गई, हमारे घर से लक्ष्मी चली गई, अब हम कोई गाय नहीं पालेंगे, नंदिनी को भी बेच देंगे। शायली हमारे परिवार का हिस्सा थी, ऐसा लगा जैसे भगवान ही हमसे रूठ गए तो शायली को हमसे छीन लिया। अब शायली नहीं तो नंदिनी को रख कर क्या करेंगे। शायली की मौत के बाद बनवारी और राधा ने खेती पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन सूखे की मार ने उनकी खेती की फसल को भी बर्बाद कर दिया। गरीबी की मार ऐसी पड़ी कि वो दाने दाने को मोहताज हो गए। उनके सर पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता चला गया। वो नंदिनी के लिए भी खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, उसे अक्सर खुला छोड़ देते थे और वो जो कुछ भी रास्ते में पाती खा लेती थी। कुएं के पास गिरे हुए पानी से थोड़ी बहुत जो घास जमी रहती थी वो भी नंदिनी के काम आ जाती थी। कभी कभी उसे रोटी का टुकड़ा भी मिल जाता था, पूरा नहीं तो आधा पेट भर जाता था। बनवारी राधा की तरह ही नंदिनी भी कमजोर हो गई थी। एक दिन श्राद्ध के दिन बनवारी के घर में चूल्हा नहीं जल पाया। सवेरे नंदिनी ने भी खिड़की से झांक कर बनवारी और राधा के उतरे हुए चेहरे को देखा। नंदिनी को बहुत दुख हुआ, वो वहाँ से चल पड़ी और गांव के कई घरों के सामने उसने इशारे से भोजन की मांग की। उसने मुंह में एक थैली पकड़ी हुई थी। श्राद्ध का दिन था, इसलिए लोगों ने घरों में पूरी सब्जी और तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। उन्होंने नंदिनी के थैले में सभी प्रकार के व्यंजन डाल दिए। नंदिनी के पास बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया, लेकिन उसने खाया नहीं। वो सारा खाना थैली में लेकर अपने घर लौट आई और राधा को दे दिया। अरे नंदिनी, तो हमारे लिए खाना लेकर आई, तूने अभी तक कुछ नहीं खाया। नंदिनी चुपचाप खड़ी रही और ऐसा लगा मानो बनवारी और राधा को खाने का इशारा कर रही हो। राधा, जल्दी से तीन हिस्से में खाना परोसो और सबसे पहले नंदिनी को खाने के लिए दो, ये भी तो सवेरे से भूखी है। राधा ने तीन हिस्सों में खाना परोस दिया और नंदिनी को खाने के लिए इशारा किया। नंदिनी चुपचाप खड़ी रही। राधा ये ऐसे नहीं खाएगी, हमें खिला कर ही खाएगी, चलो निवाला मुंह को लगाओ। बनवारी और राधा ने निवाला उठाया तो नंदिनी भी खाने लगी। बहुत सारा खाना बड़े मौके से मिल गया था। दूसरे दिन भी नंदिनी जब गांव में लोगों के दरवाजे पर गई तो उसे कहीं कहीं एक दो टुकड़ा सूखी रोटी का मिला। बेचारी नंदिनी मुंह लटकाकर चली आई। कुएं के पास की घास भी समाप्त हो गई थी। बनवारी और राधा भी अपनी बेबसी पर पछता रहे थे। हम अपना पेट तो पाल नहीं सकते, इस बेजुबान को क्या खिलाएंगे। बनवारी ने नंदिनी को साथ में ले लिया और बेचने के लिए चल पड़ा। उसे ऐसा लगा कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उससे खाने का इंतजाम हो जाएगा और नंदिनी से भी पीछा छूट जाएगा। वो दोनों ही खाने की किल्लत से जूझ रहे थे, भला नंदिनी को कहाँ से खिलाते। राधा ने जब नंदिनी को बनवारी के साथ जाते देखा तो उसका दिल रो पड़ा। नंदिनी कातर नैनों से राधा को निहार रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे किसके दरवाजे पर बांधा जाएगा। बेबस राधा ने हाथ बढ़ाया और फिर सर झुकाकर रोने लगी। नंदिनी को भी बड़ा दुख हुआ। कुछ दूर चलने के बाद रुकी और रस्सी छुड़ाकर राधा के पास दौड़कर आ गई। राधा भी उससे लिपट गई। मैं अपनी नंदिनी को नहीं जाने दूंगी, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, हम इसे अपने साथ ही रखेंगे, जो भी रूखा सूखा खाएंगे वही खिलाएंगे। बनवारी राधा की इच्छा के आगे झुक गया और उसने नंदिनी को अपने पास रख लिया। एक दिन जब सवेरे राधा नंदिनी को ढूंढने लगी तो उसका कहीं पता नहीं चला। बनवारी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो बनवारी से पूछने लगी। देखो जी, नंदिनी कहाँ चली गई? सवेरे सवेरे तो वो कहीं नहीं जाती, मैं तो चारों तरफ देख चुकी हूँ, उसका कहीं पता नहीं है।
एक लड़का गोलू दौड़ता हुआ आया और उसने राधा को नंदिनी के बारे में बताया। काकी, आपकी नंदिनी को काका ने बेच दिया है, पूरे 1000 रुपए पाए हैं। अब जा रहे हैं बाजार से मिठाई मालपुआ लाएंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने मुझे बताया नहीं और नंदिनी को चोरी से बेच दिया। क्या करता, खुद के खाने का नहीं है उसे कब तक खिलाता। पैसे मिल गए हैं, कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएंगे, इसके बाद खेती संभल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी नंदिनी तो नहीं आएगी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जाइए मेरी नंदिनी को वापस लाइए। बनवारी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और राधा गुस्से और दर्द से सिसकती रह गई। बनवारी खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आया लेकिन राधा ने नहीं खाया, वो आंसू बहाती रही। रात हो गई, अचानक राधा को बाहर किसी की आहट सुनाई पड़ी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई तो खुशी से चहक उठी, नंदिनी सामने खड़ी थी। राधा उससे खुशी से लिपट गई। अरे ये नंदिनी कैसे वापस आ गई? अच्छा हुआ वापस आ गई, मैं अपने गहने बेचकर 1000 रुपए वापस करा दूंगी लेकिन नंदिनी नहीं दूंगी। अचानक नंदिनी अंदर पशुशाला में पहुंच गई और उसने एक जगह जमीन पर अपने अगले पैर से मारना शुरू किया, वहाँ की मिट्टी निकल रही थी। बनवारी कुछ नहीं समझा लेकिन राधा ने उसे इशारे से समझाया। यहाँ की मिट्टी निकालो, नंदिनी का इशारा समझो। बनवारी ने फावड़े से उसी जगह पर खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि नीचे कोई पीतल का हंडा दबा हुआ है। वो हंडा ही था। उसने और खुदाई करके उस बड़े से हंडे को निकाला और अंदर झांक कर देखा तो खुशी से पागल हो गया। बहुत सारी सोने की अशर्फियां अंदर भरी पड़ी थीं। खजाना दे दिया, खजाना, इतना सारा दे दिया, हमारी नंदिनी ने हमें जीने का सहारा दे दिया। देखा, जिस नंदिनी को बेच आए थे आज वही आकर लक्ष्मी बनकर उसने हमें माला माल कर दिया, हमारी गरीबी को विदा कर दिया, हमारी नंदिनी लक्ष्मी बनकर आ गई।